तो हाँ कैसा टिकट है? दस का दो टिकट दीजिएगा। पर पर्सन 10 रुपीस। ये टिकट मैं ले चुका हूँ, चलते हैं अब अंदर। ये बैम्बू ही बैम्बू, अलग अलग प्रकार का बैम्बू लगाया गया है यहाँ पे अलग अलग कंट्री से। ये जो पार्क है ये किंग बिम्बिसार बुद्धा को गिफ्ट किया था। ये उस समय जंगल हुआ करता था बैम्बू का, इसके वजह से जो ये देखा जाए तो बुद्धिस्ट का होली प्लेस में से एक है। ये जगह को बहुत मान्यता दिया गया है बुद्धिज्म के अनुसार। बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट लोग अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री बर्मा चाइना ताइवान के जो भी ये डिवोटीज हैं यहाँ आते हैं वहाँ से ला ला कर अलग अलग बांस का प्रजाति लगाया है। यहाँ जब आइएगा तो अलग अलग प्रकार का जो बांस का बैम्बोस देखने को मिलेगा आपको। येलो बैम्बो भी है यहाँ पे, देखिए मतलब ये जगह है जो किंग बिम्बिसार बुद्ध को एज अ मोनेस्ट्री के तौर पे गिफ्ट किया था। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स पहले रहा करते थे। ये जो प्लेस है बहुत ही पुराना है, 2000 साल से मोर देन 2000 यानी 2500 साल से ऊपर हो रहा होगा इस जगह को। मतलब उस समय से ये बहुत ही मतलब अट्रैक्शन और सेंटर का केंद्र रहा है बुद्धिस्ट लोगों के बीच। तो अभी तो हम लोग बांस देख लें, चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देखने के लिए और बहुत पीसफुल प्लेस है, जब आइएगा तो आप बैठ के रिलैक्स और अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और जैसे कि शांति जगह चाहिए तो ये एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पे आप बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं अंदर की ओर चल रहा हूँ, चारों तरफ बांस ही बांस है बैम्बोस। ये जगह को बिहार टूरिज्म के द्वारा और भी सजाया गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मल था, अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। देखिए छोटे छोटे ट्री है जो लगा हुआ है। आई डोंट नो, आपको किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस तरह को ट्री को क्या बोलते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव है, पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मल था। मैं पहले 5 साल पहले यहाँ पे आया था टूर में, जब मैं देखा था तो बहुत नॉर्मल था, बट अभी बहुत चेंजिंग है। अब देख रहे होंगे इको पार्क का जैसा है यहाँ पे, जब जाएगा आपको देखा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यह है जो टोटल लकड़ी का है बट बना हुआ कितना प्यारा लग रहा है। मेंढक ये साइड भी मेंढक, और ये टोटल लकड़ी का है, ये थाई स्टाइल और जापनीज स्टाइल में बनाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत प्यारा फोटो आएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा ये एक फेस है, मूंछ दाढ़ी बाल ये जड़ में बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत, बहुत ही यूनिक है। मैं अगले बार भी बोला था आपको वीडियो में कुछ देर पहले सॉरी कि इस तरह का पेड़ को क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। अगर
किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। छोटा छोटा पेड़ को काट, मतलब पेड़ को टहनिया को काट कर इसे डाल के छोटा प्रकार में, यानी छोटे साइज का बर का पेड़ है, बहुत सारा यहाँ पे वैसा करके, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, ये स्टोन मशरूम है, बस ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया गया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेन्यू वन नहीं कोई इको पार्क घूम रहा हूँ। पहले वेन्यू वन बहुत नॉर्मल था, बट ये वेन्यू वन है जो एक्चुअली में ये बुद्धा का प्लेस है। बहुत समय से, मतलब 2500 साल से भी पूरा, 2500 साल से भी पुराना ये पार्क है, पार्क नहीं बोल सकते हैं, ये होली साइट है बुद्धिस्ट लोग का। बहुत बहुत प्यारा है। आप, मैं आपको सामने एक दिखाता हूँ, बुद्धा स्टैचू है, बुद्धा का हेड है, ये है जो लकड़ी में बनाया हुआ है, बहुत प्यारा है। मैं अपना कैमरा लाना भूल गया, मैं मिस कर रहा हूँ, बट मुझे क्लिक करना था कुछ फ़ोटो, बट कैमरा में लाना भूल गया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सो अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊँ नया जो यहाँ पे है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। बताइएगा ये क्या है। आई थिंक ये ड्रैगन है, क्या कूल लग रहा है ना। ये ड्रैगन बारिश सैड है, ये बहुत प्यारा और एक्सट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। ये ड्रैगन का जो सेफ है, बिहार टूरिज्म बहुत अच्छा से प्लान किया है इस चीज़ को, मतलब ड्रैगन तो चाइना का, चाइना में माना जाता है ज़्यादा, चाइना का प्रतीक है, बट देखने में तो बहुत कूल लग रहा है। ये पूरा टोटली इंटरनेशनल पार्क है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है। एक्चुअली ये यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट डिवोटीज भी आते हैं, इसकी वजह से उसे देखते हुए ये इस तरह से सजाया गया है, बहुत कूल लग रहा है। जब मैं दूर से इस तरह से लेता हूँ, यहाँ से पूरा बहुत कूल दिखता, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब मैं बढ़ता हूँ वेन्यू वन लेक की तरफ, इधर तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैं थाईलैंड और जापान का जो, मतलब उस टाइप का जापनीज स्टाइल में और थाई स्टाइल में ऐसा दिख रहा है मुझे। सेट, बैठने का सेट बहुत प्यारा लग रहा है एकदम। बड़ा भी आगे बढ़ते हैं, तालाब की ओर चलते हैं। लेक, ये लेक बहुत पुराना लेक है, बट पहले तो एकदम नॉर्मल था, अभी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस सीढ़ी के जरिए नीचे तक जा सकते हैं और नीचे से व्यू देख सकते हैं कैसा दिखेगा सामने, बहुत वहाँ पे बहुत प्यार, जिस तरह से सीढ़ी बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वहाँ जाएंगे, हंस भी है, बतख है, और इस लेक का व्यू टोटली चेंज हो गया एकदम, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। करीब मैं तीन चार साल, ये पाँच साल पहले आया था,
बट ऐसा नहीं था, बहुत नॉर्मल था पहले। एक्चुअली ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसके वजह से शायद बिहार टूरिज्म खास प्रॉपर वे से इसको डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छा से सजाया है। मैं टोटली सरप्राइज हूँ ये प्लेस को देखकर, जिस तरह से सजाया और जिस तरह से डेवलप किया है, बहुत कूल है। ये प्लेस जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि है लगभग बुद्धा टाइम, जब बुद्धा थे तब से ये प्लेस है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि ये बुद्धा को किंग बिंबिसार गिफ्ट किए थे ये प्लेस, और ये मोनेस्ट्री के तौर पे गिफ्ट किए थे। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स और बुद्धा यहाँ पे स्टे करते थे, रहते थे। मतलब ये एक तरह से देखेंगे तो ये रिलीजियस साइट है। बट अभी चलते हैं और आगे देखते हैं। ये वेनुवन पार्क में हूँ मैं अभी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं वेनुवन पार्क में हूँ। जिस तरह से बिहार टूरिज्म डिज़ाइन किया है इसको और डेवलप किया है, दोबारा रीडेवलप्ड रीडिज़ाइन, बहुत ही प्यारा है। बहुत प्यारा प्यारा फूल भी है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे नीचे। एक्चुअली मैं आपको बताया था कि ये जो प्लेस है, ये बुद्धा को गिफ्ट किया था किंग बिंबिसार ने। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मैं सूट खोल के अंदर चलता हूँ और आपको ये इस जगह का इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है ये प्लेस। यहाँ पे जो भी मतलब डिपोटिस्ट आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं और मेडिटेट भी करते हैं और यहाँ पे पूजा भी करते हैं। मतलब कैंडल जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्धिस्ट लोग के लिए। और ये पार्क भी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर। ये जो आप छत देख रहे हैं, ये थाई स्टाइल में है। थाई लोग का स्टाइल जैसा मोनेस्ट्री में ऐसा होता है, ऐसा लगाते हैं हम लोग। दूर से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पहले भी आया हूँ बट ये प्लेस थोड़ा सा वैसा ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे। ये नॉर्मली ऐसा था पहले से ही। और मैं चलता हूँ और अपना शूज़ पहनने के बाद बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बहुत चीज़ है जो ऐसा, बहुत पुराना चीज़ें हैं रिलेटेड टू बुद्धा राजगीर में खासकर, क्योंकि बहुत टाइम तक बुद्धा हैं जो यहाँ पे राजगीर में टाइम स्पेंड किए थे। इसी की वजह से बहुत सारा चीज़ है जो बुद्धा से रिलेटेड है राजगीर में। अभी मैं शूज़ पहनता हूँ। फूल भी बहुत प्यारा लग रहा है ना दिखने में, बहुत सारा फूल है। अभी मैं चलता हूँ नीचे, वो साइड से मैं दिखाया था लेक को, और ये साइड जब आइएगा तो आप नीचे उतरिएगा तो ये टोटली आपको चाइनीज, और ये पार्क थाई और इंटरनेशनल फील दे देगा आपको। जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है बहुत प्यारा है, आप फ़ोटो भी बहुत खिंचवा सकते हैं, बहुत प्यारा फ़ोटो आएगा। देखिए एक बार घूमकर क्या व्यू है, वाओ, रियली रियली एम सरप्राइज, बहुत सरप्राइज हूँ ये वेनुवन से भी। वो साइड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम पानी को टच करते हुए बनाया गया है। और लिमिट पानी वैसा लिमिट के अनुसार ही डाला गया है, देखने में बहुत कूल लग रहा है। यहाँ पे कुछ बतख हैं, रियली अमेजिंग, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। चलते हैं और आगे देखते हैं
और क्या क्या सरप्राइजिंग है इस पार्क में। बुद्धस पार्क वेन्यू वन बैम्बू, वेन्यू वन नॉन फॉर बैम्बू फॉरेस्ट, बांसों का जंगल के नाम से जाना जाता था पहले बुद्धा का टाइम में। एक्चुअली ये जंगल ही था उस समय, बट बांस का जंगल था। और आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इस पार्क को। जैसे कि बोल सकते हैं आप कि जान डाल दिया है बिहार टूरिज्म। बहुत चीज है जो बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया है। मैं आपको बुद्धिस्ट अस्तूपा दिखाता हूँ एक, जो दिख रहा है मुझे दूर से, बट वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो कैसा है। फुल्ली स्टोन से बना हुआ है वो, जिस तरह से बनाया है बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। वो रहा स्तूपा, छोटा है बट खूबसूरत है। ये भी है, ये बुद्धा स्टैचू बुद्धा स्तूपा ही है। मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाता हूँ। अंदर ऊपर में एक बुद्धा का स्टैचू है, ये शायद पहले नहीं था, ये न्यू बनाया गया है। और कुछ तिब्बतियन और इंग्लिश और हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हैं तो। चाइनीज में है ये इंग्लिश में है, आप अगर चाहे पढ़ना चाहते हैं। और ये रहा तिब्बतन, ये तिब्बतन में है, तो ये हिंदी में है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये तिब्बतन है, पता नहीं क्या मैसेज है इसमें, मैं भी बाद में पढ़ूंगा। और ये इंग्लिश में है, और ये चाइनीज़ या जापनीज में है। चलते हैं आगे, पार्क को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस हैं यहाँ पे वेन्यू वन में। ये पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये पांडू पोखर जो है, इसका वीडियो में कुछ दिनों में आ जाएगा, जो वही राजगीर का सबसे खूबसूरत प्लेस पार्क है, बट ऐसा नहीं। ये पार्क विजिट कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पांडू पोखर से ज़्यादा एडवांस है ये पार्क। पांडू पोखर में कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप वहाँ उसमें कर सकते हैं, मगर इसमें आप बैठकर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। ये भी देखिए बहुत कूल है, जब इवनिंग में जब आइएगा आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बैम्बू बैम्बू प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वेन्यू वन में कौन सा जगह आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, कौन क्या आपको ज़्यादा पसंद आया, वो मुझे बताइएगा कमेंट कर। अभी मैं फिर से वहाँ
तालाब की ओर जा रहा हूँ, उस साइड से जो दिखाया था आपको नीचे उसको दिखाने के लिए। अभी तो मैं बस इधर बैम्बू से होते हुए नीचे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो जो साइड वहाँ पे जो दिखाया था तालाब के जो अपोजिट साइड था, जो सीढ़ी है और उस तरह से जिस तरह से प्लांटिंग और पौधे लगाए गए हैं, बहुत कूल और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। उससे मैं क्लोज जाकर देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा से मेंटेन किया गया है। अपोजिट साइड इसका डिज़ाइन देखिए आप, कितना खूबसूरत है ये। और जिस तरह से फूल लगाया हुआ है यहाँ पे, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहुत कूल प्लेस है। अगर आप राजगीर और नालंदा घूमने आते हैं तो आप एक घंटा या डेढ़ घंटा इस पार्क में आराम से दे सकते हैं, इस पार्क का खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटीदार टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए एकदम फ़ोटो भी बहुत अच्छा आएगा, पूरा प्लेस ही कूल है एकदम। ये देन है इस बिहार टूरिज्म का ही होगा आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बिकॉज ये टूरिस्ट प्लेस है और बिहार टूरिज्म के ही अंदर आता है। तो देखिए क्या कूल है डिज़ाइन, बहुत प्यारा है। सो अभी मैं इस तालाब के एकदम ठीक करीब हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, आई लव दिस प्लेस मैन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं पार्क में और क्या क्या नया है। वैसे तो मैं ये पहले कैप्चर नहीं किया हूँ, आई थिंक आपको भी पसंद आएगा ये पार्क। देखने के बाद ज़रूर बताइए, अपना राय दीजिएगा कि ये पार्क आपको कैसा लगा। देखिए ये भी लाइट ही है, डिज़ाइन देखिए लाइट का, स्टोन का बना हुआ है ये फ्रेम, फुल्ली फील दिलवाता है। ये इंटरनेशनल पार्क है और दो तीन कंट्री का मिक्सअप जैसा लगता है, जापनीज, थाई और इसी से रिलेटेड है। और ये रहा यहाँ पे बुद्धा स्टैचू, जो पुराना है, पहले से भी ये प्लेस एग्जिस्ट करता था, यानी पहले भी था यहाँ पे। सो अभी चलते हैं आगे पार्क में और क्या नया है देखते हैं। ये क्या कूल है, पीछे जो दिख रहा है साइड से लगा हुआ है ये, ताकि कोई उधर ना जा सके, बट ये एक्चुअली खूबसूरत दिखने के लिए और भी इस पार्क को बहुत खूबसूरत दिखने में हेल्प कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। सॉरी चलते हैं वो साइड से, रॉन्ग साइड आ गए हैं। ये पार्क और बढ़ा है बट अभी उधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो साइट, मे बी इसलिए ये पर्दा लगा हुआ है ग्रीन सा। सो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ दूसरे साइड से अगर जाने के लिए पॉसिबल है तो, जाकर मैं अंदर दिखाता हूँ आपको कि और क्या नया है वेन वन में। अभी मैं बताया वो साइड अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
तो अगर आप एक या 1 month 2 month लेटर आएंगे, यानी 1-2 महीना के बाद आएंगे, तब आप वो साइड भी जा सकेंगे और विजिट कर पाएंगे। अभी पार्क इतना ही है, बट मुझे पार्क बहुत खूबसूरत लगा। अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, निकलूँगा बाहर, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और भी मुझे कुछ जगह विजिट करना है। सो मैं चलता हूँ, अभी मिलते हैं, चलते हैं बाहर। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ वेनुवन से, मैं वेनुवन विजिट कर लिया हूँ, बांसों के बीच में से, बैम्बोस के बीचों में से गुजर रहा हूँ अभी। सो आइए चलते हैं, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।